पुलिस पुलिस है ना पीछे? आई थिंक सो, पुलिस या एम्बुलेंस है। एक टैक्सी तक नहीं मिला, तब से चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, और चलते चलते अभी देखो वो फ्यूचर म्यूजियम भी दिख रहा है उधर। इतना रात हो गया है अभी, किसी का बलून उड़ गया। हाँ अभी एक बज गया है, लेकिन देख के लग नहीं रहा है। देखो देख के लग रहा है कि नॉर्मल शाम हुई है शायद। इतना रोशनी है हर तरफ, हर कोई जगा हुआ है, हर किसी के फ्लैट में अभी भी लाइट है, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं न्यू ईयर। रात के एक बजे भी रेस्टोरेंट भी खुला हुआ है और लोग भी खा रहे हैं। इसको कहते हैं दुबई की नाइट लाइफ। और ये एरिया आपको थोड़ा सा ऐसा रेत दिखेगा, क्योंकि ये न्यूली डेवलप्ड है। ये अभी सारे अभी अभी भी हो रहा है यहाँ पे, ये जो सारे बिल्डिंग्स है ना, दैट इज वेस्ट जोन। ये पहुंच गए हम, हाँ हम लोग पहुंच गए, यहीं से उनका घर है बिल्कुल पास। गाइस अभी हम जहाँ पे आए हैं ना, अभी यहाँ पे जो एडम भैया है ना, उनके फ्रेंड है, उनके आज एनिवर्सरी है, तो वो सरप्राइज दे रहे हैं अपनी वाइफ को। रात के 1:30 बजे है और एडम भाई के घर में आपको लगेगा नहीं कि रात हुई है, सब पार्टी चल रही है यहाँ पे, कितना चहल पहल है। और ये छोटा बेबी तक नहीं सोया, ये छोटा बेबी तक नहीं सोया, बेबी खलीफा। See, बच्चा पार्टी का पार्टी चल रहा है रात के 2 बजे। जाइए अभी अभी मैं इनको सिम्बा का वीडियो दिखा रही थी और सब लोग बोल रहे थे कि उनको सिम्बा के साथ खेलना है। तस्लीम, tell me something. You want to meet Brownie? Yes. You want to meet Simba? Yes. So why don't you tell your daddy to bring you my house? No, please. There. Huh? Please stay there. Yeah. No. Stay with us. Bring Brownie right here. Right here we cannot bring them because they will be hungry, na? They are always eating. You can bring their food. I can bring their food, but it's too much traveling, na? They will come to new house, they will be afraid. So why? I cannot bring. Why? They are comfortable in their own house. Why? What in your house? But huh? when I'm there, you'll get scared. No, they will not get scared. But when I'm there in Tasneem. When you are there, they are not scared because they are in their own home. But if you bring them here, they'll get scared for sure. Why? Yeah, because it's a new home. What are you doing? Yeah, I'll hold it. No problem. But when you're moving on to a new house, are they comfortable? Are they comfortable when you're moving? Yeah, we'll move. Then yeah, they'll come. If they come here, then they have to stay for a long time, right? Maybe for a few weeks. Wait, what? Yeah. But how about no. I can pet Aradu? A pet, a good pet.
अभी सौरव इन लोगों का गोल पोस्ट बना है. कितनी क्यूट तरीके से बैठा हुआ है ये. जाइद कम कम हियर. गुड मॉर्निंग गाइस. और ये व्लॉग कल से कंटिन्यू हो रहा है, बहुत लंबा चल रहा है. आई थिंक ये व्लॉग हम लोग दो पार्ट में डालने वाले हैं, नहीं तो अब ये बहुत लंबा हो जाएगा. और अभी अभी हम लोग एडम भाई के घर से निकले हैं. पहले हम लोग आज प्लांट शॉप जाएंगे और वहीं से शायद ब्रेकफास्ट भी करेंगे. हाँ. क्योंकि कल रात को, एक्चुअली रात नहीं सुबह बोल सकते हैं, हम लोग सोते सोते पार्टी चल रही थी तो 4 बज गए थे, बच्चे तक जगे हुए थे तो हम कैसे बोल सकते थे कि हम सो जाएंगे. ऐसे तो वो लोग अभी भी सारे सो ही रहे हैं. वो अभी भी सो ही रहे हैं. बस हम लोगों ने एडम भाई को थोड़ा सा मैसेज किया कि भाई अभी हम लोगों को निकलना है. उन्होंने कल कहा भी था अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मैसेज करना रात को, तो क्योंकि नहीं तो बाकी सब डिस्टर्ब हो जाएंगे. सही है. तो हम लोगों ने मैसेज किया कि अभी हमें निकलना है, तो एडम भाई बोल रहे हैं कि ब्रेकफास्ट करो, बिना ब्रेकफास्ट किए कैसे जा सकते हो. हम लोगों ने कहा नहीं, आपके साथ हमारी वही फॉर्मेलिटी वाला रिश्ता थोड़ी ना है. सही बात है. हम लोग बाहर से खा लेंगे, ये बेटर रहेगा, आप सो आराम करो. वैसे भी हमें थोड़ा सा प्लांट्स की शॉपिंग करनी है और सिम्बा ब्राउनी भी घर पे अकेले हैं तो हम लोग जल्दी जल्दी जाना चाहते हैं. कल के बारिश के बाद अभी कड़कती हुई धूप निकली है. और अभी सुबह सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट करने आए हैं. ये है सतवा का कराची दरबार. यहाँ पे भी हम लोग कभी कभी आते थे. नॉर्मली हम लोग ऊपर बैठते थे क्योंकि शाम के वक्त ही आना होता था. कभी सुबह ब्रेकफास्ट करने तो यहाँ पे नहीं आए हैं, लेकिन सुबह के टाइम पे सबको नीचे ही बैठना पड़ता है तो हम लोग यहीं पे बैठे हैं. और सौरभ जो है वो हैंड वॉश करने गया है. सो लगभग 1 साल बाद हम लोग आए हैं सतवा मार्केट. बीच में सौरभ एक बार आया था. अभी ये एंगल थोड़ा चेंज कर लेते हैं. हाँ. और कल से मैं ही ज़्यादा कैमरा पकड़ रही हूँ तो अभी सौरभ ने पकड़ लिया है. अभी हम लोग जाएंगे प्लांट शॉप, देखते हैं क्या प्लांट्स मिलता है. और ये सतवा का मार्केट है जो हमने कई बार अपने ब्लॉग में दिखाया है. हाँ, ना तो यहाँ का पेट मार्केट के ऊपर तो हमारा अलग सा एक ब्लॉग. चलो आई होप कि जो शॉप्स हैं वो खुल गए होंगे अभी, तो जल्दी जल्दी खरीद के फिर घर भागना है. हमारे पास एक्चुअली यहाँ के शॉप के किसी किसी लोग का फ़ोन नंबर भी है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा आते थे कि पहचान वाले हो गए वो लोग. तो हमने कल ही कॉल कर लिया था कि आज खुला तो रहेगा ना, नहीं तो हम लोग कल रात को बैक कर जाते एडम भाई के घर. शायद हम लोग नहीं रुकते क्योंकि उनके एक फ्रेंड है जो हमारे घर के पास ही रहते हैं, वो भी साथ ही चले जाते. वो भी आए थे पर पता नहीं ट्रैफिक में उनका क्या हाल हुआ होगा. कब पहुँचे होंगे वो लोग यहाँ से निकले अराउंड 3:30 बजे, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगी, इससे अच्छा है कि हम लोग देर से निकले. बाद सबसे पहला शॉपिंग हुआ हमारा प्लांट्स का, है ना. प्लांट्स शॉपिंग करना बहुत अच्छा होता है. तो हम लोगों ने प्लांट्स लिया है और प्लांट्स लेके अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं. वैसे मुझे बहुत कॉमन से प्लांट्स यहाँ पे नहीं मिले, पता नहीं सप्लाई नहीं है शायद. जो प्लांट्स हमेशा मिलता है वो तक नहीं मिला, पर हाँ हमने थोड़ा बहुत लिया है, वो मिलता तो और भी अच्छा रहता. अभी घर के लिए भागना पड़ेगा. अरे कितना क्यूट सा, देखो डॉगी आ रहा है सामने, वो देखो दो 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 वो भी
चंगू और मंगू. They're so cute. निकले थे हम चिलचिलाती धूप के साथ और अब देखिए बारिश शुरू हो गई है. साल बाद हम घर लौटे. कल निकले थे और कल था दिसंबर और जनवरी को हम लोग घर लौटे, तो एक साल हो गया है ना. और बहुत थक गए हैं. कल हम लोग शाम को निकले थे और अभी घर लौट रहे हैं. और इस बीच बस कल रात को थोड़ा सा सोया था. और आप लोग समझ सकते हो, किसी और के घर में अगर आप सोते हो ना, ठीक से नींद नहीं आती. तो अभी लौटते वक्त हम लोग कुछ प्लांट्स लेके आए हैं, वो फिलहाल हम लोगों ने वहाँ कॉरिडोर पे छोड़ दिया है. और ये माइक्रोवेव टीवी सबका बॉक्स उधर पड़ा हुआ है. घर का हाल जो है ना, बहुत बेहाल है. और ये सब अभी फेंक भी नहीं सकते, देखना पड़ेगा. इसको भी आहिस्ता आहिस्ता कहीं पे सेट करेंगे. अभी हम लोग फ्रेश होंगे और कुत्ते जैसे सोएंगे. बहुत ज़्यादा थक गए हैं. लौटने के बाद हम दोनों, जैसे कि मैं बोल रही थी कि सो जाएंगे, तो वैसा ही हुआ. हम सो गए, ब्रेकफास्ट कर लिया था. तो उसके बाद ना भूख ही नहीं लगी. और ब्रेकफास्ट करते करते नॉर्मली हम लोग 8-8:30 बजे तो ब्रेकफास्ट करते हैं, कभी कभी 9 बज जाता है, लेकिन आज 10:30 बज गया था ब्रेकफास्ट करते करते. तो भूख भी नहीं लगी थी. घर लौट के सिम्बा ब्राउनी का थोड़ा क्लीनिंग था, उन लोगों को खाना देना था. वैसे तो हम लोगों ने उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हे भर के गए थे. नॉर्मली जितना देते हैं उससे ज्यादा देके गए थे, क्योंकि हम लोग ना एक साथ में ज्यादा नहीं दे देते उनका, बार बार उसको फील करते हैं. क्योंकि घास थोड़ा सा अगर पहले से ज्यादा फील करके रखते हैं ना, जो रह जाता है लास्ट में, वो लोग खाना नहीं चाहते. पता नहीं क्यों, पैकेट से निकलते ही वो शायद उन लोगों को ज्यादा फ्रेश लगता होगा, वो लोग तुरंत खा लेते. लेकिन थोड़ा सा अगर 3-4 घंटा हो जाते नहीं खाना चाहते. पर हाँ, अगर बहुत ज्यादा भूख लगे तो खाते हैं. तो इसलिए कल हम लोग थोड़ा ज्यादा घास फील करके गए थे. और पैलेट्स वगैरह तो उन लोगों ने उतना भी जरूरी नहीं है, पर हम लोग खिलाते हैं, उससे उनका हेल्थ अच्छा रहता है. तो बस घर आके उनको थोड़ा सा पैलेट दे दिया और हम लोग फ्रेश होके फिर सो गए और डायरेक्ट शाम को उठे. उसके बाद शुंधा पूजा वगैरह किया. और अभी 8 बज चुके हैं, और 8 नहीं बजे शायद, 8:15 ऐसा कुछ हुआ होगा. और ऑलरेडी मटन बना हुआ था कल का, तो मैंने उसको थोड़ा सा गर्म किया. कल ना मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था, कि कल रात को हम लोग निकले गए, ऐसा तो कोई प्लान नहीं था, वो तो पूरा कैंसिल हो गया था ऑलमोस्ट प्लान. तो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था, तो वो अभी बना लिया है. और साथ में आज हम लोग को फिर से राइस खाने का मन कर रहा है, तो गोविंद भोग जो राइस होता है उसके साथ मैंने एक पुलाव बनाया है. और अभी ना भयंकर भूख लगी है, क्योंकि हम लोगों ने लंच स्किप कर दिया था ना, तो अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है. तो अभी 8 ही हम लोग अभी डिनर करेंगे. हनी जीव लपलपाई. कल और आज मतलब इतना अच्छा है कि पूछो मत. बैक टू बैक हो रहा है, तो अभी पानी आ रहा है. तो आज ये पुलाव बनाया है, बस किशमिश के साथ नॉर्मल. कल तो चिकन पुलाव था, और ये चिकन का जो ड्रम स्टिक होता है, चिकन ड्रम स्टिक, उसको मैंने ऐसा तंदूरी टाइप का बनाया है, पर ये बड़ा वाला. हाँ, लेकिन ये तवे पे बनाया है. और ये मटन, ये तो कल ही बना लिया था. ओह, और भूख कंट्रोल नहीं हो रही है, और बात नहीं कर सकते, मैं खाऊंगी.
गौरव बोल रहा है देख के ड्रमस्टिक को कि ये ड्रमस्टिक इतना बड़ा है, मुर्गी कितना बड़ा होगा। इतना बड़ा ड्रमस्टिक है तो ये मुर्गी कितना बड़ा होगा। सारा कह रहा था जो कार्टून में हम लोग देखते थे ना बचपन में, टॉम एंड जेरी में जो वो डॉग नहीं था जिसके ऐसे लार गिरते रहते थे, वो हॉट डॉग भी खाता था ऐसा लंबा लंबा, हम लोग बोलते हैं उसको हॉट डॉग, बट अभी हम लोग उसको सॉसेज बोलते हैं सब उसको, दोनों चीज बोला जाता है। तो वो था और वो ऐसा लेग पीस, बड़ा लेग पीस ऐसा। और गाइस आज तक समझ सकते हो कल ऑलमोस्ट मतलब प्लान हमारा कैंसिल होते होते फिर जब हुआ हम लोग इतने चले सिटी वॉक से फिर हम लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो मेट्रो स्टेशन है वहां तक चलना हो कोई आसान बात नहीं है। और उससे पहले भी हम जिस एरिया में रहते थे वहां पे हम लोगों ने 2-3 राउंड मारा सिटी वॉक में भी राउंड मारा तो मतलब चलते पूरा रात खत्म कर दिया शाम से, उसके बाद पार्टी लेट नाइट पार्टी चली अराउंड 4 बजे तक सोते सोते हो गया था। तो उसके बाद आँख खुली डायरेक्ट तब 9:40 हो चुका था सुबह का, 9:40 हो गया था एग्जैक्टली। और वो लोग भी सो रहे थे और फिर भी हमें ब्रेकफास्ट के लिए पूछे, हम लोग नहीं खाए चले आए। और अभी ना गाइस आने के बाद हम लोग दोपहर को थोड़ा रेस्ट किया, फिर मैंने वो खाना वाना बना लिया, 8 बजे के अंदर खाना भी खत्म कर लिया। अब आके बैठे हैं कि उस दिन जो हम लोग शिनचैंग देखने वाले थे वो नहीं देखा उस दिन, हम लोगों ने वो वो देखा। तो वो देखने के बाद वो तो हमें बहुत अच्छा लगा था और फिर नींद आ गई थी सो गए थे। तो आज हम लोग सोच रहे कि शिनचैंग देखेंगे और बात हम नहीं कर सकते, मैं थक गई हूँ थोड़ा रेस्ट चाहिए। और कल भी छुट्टी है, अब देखते हैं कल क्या प्लान बनता है, अभी तक कुछ नहीं सोचा है। पर कल हम लोग घर पे भी रह सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, अभी तक कुछ सोचा नहीं, देखेंगे वो तो कल सुबह डिसाइड करेंगे। तो गाइज वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर गाइज। और ये जो कुछ ब्लॉग्स आ रहे हैं मुझे पता है ना ठीक से हम लोग वेलकम कर रहे हैं ना बाय कर रहे हैं, क्योंकि ना हम लोगों ने इस ब्लॉग को मतलब ऐसे ही शूट किया है, ये 2 दिनों तक हम लोगों ने जो जो किया बस शूट करते रहे और प्लान कुछ नहीं किया कि हाँ ये एंड होगा ये शुरू होगा। और मतलब क्या बताए, इस जैसे जैसे हो रहा था वैसे वैसे हम लोग कैप्चर करते गए, तो और लेंदी भी काफी था तो उसको एक साथ भी नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये ब्लॉग ऐसा चला। होपफुली कल से सब कुछ ठीक होगा, कल से हम एक एक दिन का सेपरेट ब्लॉग रखेंगे, ऐसा मिक्स नहीं होगा। सो गाइस आज का ये ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वंस मोर हैप्पी न्यू ईयर।